हुआ था जब समुद्र मंथन में सर्वप्रथम निकलने वाले हलाहल विष के कारण समस्त संसार में त्राही त्राही हो गई और सब हाहाकार करके मरने लगे। किसी में भी, किसी भी देवता, किसी भी असुर में भी उस तबाही को, उस प्रलय को रोकने का सामर्थ्य नहीं था, उस विष को रोकने का सामर्थ्य नहीं था। तभी सभी देवता और सभी असुरों ने मिलकर तिवारी देव महादेव का स्मरण किया, उनको याद किया, उनको पुकारा, और जब महादेव वहां आए उनकी रक्षा के लिए, तब उन्होंने उस विष को अपने कंठ में स्थापित कर लिया और उस विष के कारण उनका कंठ नीला हो गया और इसीलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। परंतु वो विष उन्होंने स्वयं नहीं पिया, उस विष को पीने वाले महादेव तो थे ही, पर उनके साथ साथ उनके गण प्रेत, उनका नंदी बैल, यहाँ तक कि वहाँ मौजूद सर्पों ने भी वो विष को ग्रहण किया और इसी कारण उसी दिन से सर्प भी महादेव के प्रिय भक्तों में से होने लगे।